मॉर्निंग किड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। आज हम स्टैंडर्ड 7 में मैथ्स करेंगे। पेज नंबर 6 पे स्टैंडर्ड 7 में हमने लास्ट एग्जांपल 1 तक कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल 2, फाइंड द प्रोडक्ट्स, मींस हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन। और वो जो चार रूल मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताए थे वो भी आपको याद रखने। कौन से थे वो चार रूल? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस। तो ये चार रूल आपको भी याद रखने हैं। और हम आज करेंगे मल्टीप्लिकेशन। अब हम फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन है माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई माइनस 10। मीन्स यहाँ पे जो हमने एग्जांपल 1 सीखा था उसमें हमने दो मल्टीप्लीकेशन, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन यहाँ हमारे पास है। तो जो तीन नंबर का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, हमने फर्स्ट एग्जांपल में टू नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन सीखा कि अगर दो नंबर्स दिए हैं, जैसे हमें दिया है माइनस 4 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 6। तो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन हमने सीख लिया कि 6 4 सा होता है 24 माइनस प्लस माइनस 24। पर यहाँ पे तीन तीन नंबर्स है तो हम क्या करेंगे? तो फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे है माइनस 20 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई माइनस 12 माइनस 10। तो यहाँ पे फर्स्ट टू नंबर्स का पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तीनों नंबर का साथ में मल्टीप्लीकेशन हम नहीं कर सकते, तो जो फर्स्ट टू नंबर्स है उसका हम पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो फर्स्ट टू नंबर्स कौन कौन सा है? 20 मल्टीप्लाई बाई 15। तो अगर 20 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है? आप मल्टीप्लीकेशन करके भी देख सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 15, यहाँ पे हम जीरो नहीं देख रहे हैं, तो क्या होता है? 15 टू जा 30, और जो एक ज़ीरो है यहाँ पे वो हम इसके पीछे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 300। या आप मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो ऐसे कि 20 मल्टीप्लाई बाई 15। दो नंबर है इसलिए यहाँ पे ज़ीरो, वन ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, वन टू ज़ा टू, प्लस फाइव ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, फाइव टू ज़ा टेन, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, टू प्लस वन थ्री। तो इसका आंसर है 300। ओके, पर यहाँ पे माइनस के साइन है इसीलिए ये आंसर होगा माइनस 300। ओके, अब हमारा कौन सा नंबर हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था? तो ये है माइनस 10। ये दो नंबर का हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो होगा माइनस 300 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10। तो 300 से 10 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होता है? 3000। और माइनस माइनस प्लस, देखो यहाँ पे भी रूल लिखा है माइनस माइनस प्लस, मींस दो नंबर अगर माइनस वाले मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर होता है वो प्लस में होता है। आगे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैंने पहले भी बता दिया है आपको। ओके, कुछ भी साइन नहीं करते उसका मतलब होता है कि ये प्लस वाला नंबर है। ओके, तो 300 मल्टीप्लाई बाई 10 मीन्स 3000 माइनस माइनस प्लस। तो ये तीन नंबर का मल्टीप्लीकेशन हम ऐसे करेंगे। ओके, अब यहाँ पे है फोर नंबर्स, तो पहले दो नंबर का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो पहले दो नंबर का और बाद में दो नंबर का हम मल्टीप्लीकेशन, मीन्स हम दो दो नंबर का पार्टीशन बना देंगे, दो नंबर पहले वाले और दो नंबर बाद के, दोनों नंबर का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो फाइव टू ज़ा टेन माइनस माइनस प्लस टेन। ओके, हमारा आंसर है प्लस 10। यहाँ पे 4 7 जा 28 माइनस माइनस प्लस, दोनों नंबर प्लस है अभी, 10 मल्टीप्लाई बाई 28 मीन्स हमारा आंसर है 280। ओके, अब हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 3। कंपेयर, दैट इज, मैडम ऊपर ले दीजिए,
आई मीन्स उसका मतलब होता है दैट इज, वो तो आपको भी पता होगा, कंपेयर दैट इज स्टेट विच इज ग्रेटर, मीन्स यहाँ पे जो और के पहले नंबर लिखा है और के बाद नंबर लिखा है उसमें से कौन बड़ा है, ग्रेटर मीन्स कौन सा बड़ा है, वो हमें फाइंड करना है। तो उसे फाइंड करने से पहले हमें उसका सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी नंबर दिया है उसे सॉल्व करेंगे। तो और के पहले क्या है, माइनस फोर माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव। माइनस फोर माइनस सिक्स मीन्स दोनों नंबर माइनस है, तो हम क्या करेंगे, प्लस। सिक्स प्लस फोर क्या होता है, टेन, बट ये बड़े नंबर की साइन होगी इसलिए माइनस टेन मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव। टेन फाइव जा क्या होता है, फिफ्टी, माइनस माइनस प्लस फिफ्टी। ओके, तो फर्स्ट का हमारा आंसर आया 50। अब हम ये और के बाद जो लिखा है वो सॉल्व करेंगे, माइनस टू माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस सेवन। तो यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट दिया है ना, वो पहले हमें सॉल्व करना था, इसीलिए पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किया, बाद में हमने मल्टीप्लिकेशन किया। यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं दिया गया है, ब्रैकेट है पर वो माइनस वाले नंबर का ही ब्रैकेट है, ऐसे कोई ब्रैकेट नहीं है हमारे पास कि पहले इसे सॉल्व करो बाद में इसे सॉल्व करो। यहाँ पे देखो ऐसे ब्रैकेट था, दो नंबर के बीच में ब्रैकेट था, इसलिए हमने पहले प्लस किया बाद में मल्टीप्लिकेशन किया। यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं है, सिर्फ माइनस नंबर का ही ब्रैकेट है, और कोई भी नंबर, दो नंबर के बीच में ब्रैकेट नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, तो हम फॉलो करते हैं एक रूल, जो फॉलो करते हैं वो हमें पहले फॉलो करना पड़ेगा, वो है बी डी एम एस एम ए एस। ये जो रूल होता है वो हम फॉलो करते हैं तो हमारा आंसर सारा सही ही होता है। बी का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। तो पहले जो ब्रैकेट होता है वो हमें सॉल्व करना पड़ता है, मीन्स सॉल्व करना पड़ता है मीन्स उसका आंसर लेना पड़ता है। फिर है डी मीन्स डिवीज़न, मीन्स क्वेश्चन में अगर कहीं भी डिवाइड करना का करने का बोला गया है तो पहले हम डिवाइड करते हैं। फिर है मल्टीप्लिकेशन, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी करने से पहले हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ए मीन्स एडिशन एंड एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। इस लाइन में अगर हम चलेंगे तो हमारे सारे आंसर सही हो गए। तो यहाँ पे हम करेंगे बी मीन्स ब्रैकेट, क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं है कहीं भी, ये जो ब्रैकेट है वो माइनस का है, मैं अगेन बोल रही हूँ। ओके, ब्रैकेट दो नंबर के बीच में कहीं भी नहीं है, ऐसे ब्रैकेट नहीं दिया गया है। ओके, तो ब्रैकेट नहीं है मीन्स उसके बाद हम क्या करते हैं, डी मीन्स डिवीज़न भी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मीन्स ये जो माइनस टू है वो मैं ऐसे ही रहने दूंगी, अब मैं करूँगी मल्टीप्लिकेशन। सिक्स सेवन जा 42, ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस 42 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 सेवन जा 42। यहाँ पे मैंने क्यू प्लस किया, बाकी आप प्लस की साइन लिखो के नहीं लिखो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही 42 लिख देती तो हम क्या करते, ये दो नंबर साथ में हो जाते, तो ये दो नंबर को अलग अलग करने के लिए हम बीच में लिखेंगे प्लस 42। अब एक नंबर माइनस है और एक नंबर प्लस है, तो हम करेंगे माइनस, 42 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 40। अभी हमारा फर्स्ट का आंसर था 50, सेकेंड आंसर है 40। मीन्स यहाँ पे जो दो नंबर हमें कंपेयर करने के लिए बोला गया था उसमें पहले आंसर है 50 और सेकेंड आंसर है 40। तो अभी कौन बड़ा है, 50 या 40? 50 बड़ा है, इसीलिए हमारा फर्स्ट वाला आंसर है वो बड़ा है। तो यहाँ पे देखो जो ये फर्स्ट लिखा है, माइनस फोर माइनस सिक्स, माइनस फोर माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव इज ग्रेटर, वो बड़ा है। ओके, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर फोर। Use a number line to work out minus 4 multiply by 3. Means हमें multiply ही करना है 4 3 सा, जैसे हम करते हैं 12. Okay, उसको हमें एक number line में बताना है. Okay?
तो नंबर लाइन में कैसे बताएंगे? तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके दोनों साइड एरो, क्योंकि लाइन में दोनों साइड एरो होते हैं, लाइन सेगमेंट में नहीं होते। अगर आपने जियोमेट्री पढ़ा है आगे और अब, तो लाइन सेगमेंट होती है वो ऐसे ही होती है, उसमें दोनों साइड एरो नहीं करते, पर अगर लाइन करते हैं तो उसमें दोनों साइड एरो आता है। ओके, तो ये हमने बना दी एक लाइन। अब यहाँ पे एक बड़ी लाइन करूँगी जहाँ पे मैं लिखूँगी ज़ीरो। अब सारी छोटी छोटी लाइन करूँगी, चार छोटी लाइन करूँगी। ओके, फिर से एक बड़ी लाइन करूँगी जहाँ पे लिखूँगी फाइव। मीन्स यहाँ पे चार छोटी लाइन की, वहाँ पे कौन कौन से नंबर आएंगे? 1, 2, 3, 4, वो लिखने नहीं हैं। ओके, सारे नंबर नहीं लिखने हैं, ज़ीरो लिखना है, फिर फाइव लिखना है। यहाँ पे मैं माइनस लिखूँगी फाइव, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो था माइनस फोर मल्टीप्लाई बाई थ्री। मीन्स हमें माइनस वाले सारे नंबर लिखने हैं, क्योंकि माइनस फोर है इसलिए सारे नंबर माइनस के लिखेंगे। अब फिर से बीच में चार लाइन करूँगी, 1, 2, 3, 4। एक बड़ी लाइन करूँगी जहाँ पे लिखूँगी -10। मीन्स बीच में चार लाइन है वो क्या है? -6, -7, -8, -9 और ये -10 तो हमने लिखा ही है। अब अगेन बीच में फोर लाइन्स करूँगी, 1, 2, 3, 4। एक बड़ी लाइन करूँगी जहाँ पे लिखूँगी -15। मीन्स 5, 5 का गेप रखा है मैंने, 5, 10, 15। अगर आगे लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? -20। ओके, बीच में चार लाइन करेंगे और एक बड़ी लाइन करके हम लिखेंगे -20। अब आपको क्या करना है कि हमें कौन सा नंबर चाहिए? -4। 4 कहाँ पे आता है वो पहले देखेंगे। तो यहाँ पे आता है -1, यहाँ पे आता है -2, यहाँ पे आता है -3, यहाँ पे आता है -4। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे -4 से, ये है हमारा -4। ओके, अब -4 को कितनी बार जंप कराना है? जंप मीन्स हम तीन बार ऐसे राउंड करेंगे। कितनी बार राउंड करेंगे? तीन बार, क्योंकि यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है? 3। तो अगर उसे 3 नंबर्स आगे ले जाते हैं तो 1, 2, 3, तो पहला जंप यहाँ पे आएगा। देखो मैंने 3 लाइंस काउंट की है, 1, 2, 3। यहाँ पे 4 है तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, फिर हमने कितनी लाइंस, तो यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है? 3। 1, 2, 3, ओके सॉरी 4 काउंट करना है, 3 बार 4 काउंट करना है, 4, 1, 2, 3, 4, तो 4 ऐसे। यहाँ पे अभी 10 के बाद क्या आता है? 11, और 11 के बाद क्या आता है? 12, तो हमारा आंसर क्या है? -12। ओके, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, 0 से स्टार्ट किया है 4 तक, -4, अगेन 4 से स्टार्ट करके 8 तक, मीन्स 8, और 8 से स्टार्ट करके 12 तक, मीन्स यहाँ पे जो नंबर होगा वो -12 होगा, -1, -2, -3, -4, फिर -5 तो लिखा है, -6, -7, -8, -9, 10 है, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करके पहली लाइन करनी है 4 पर, क्योंकि हमें पहला नंबर चाहिए 4। दूसरी लाइन करनी है 8 पर, क्योंकि 4 2 होता है 8, और तीसरी लाइन करनी है 12 पर, क्योंकि 4 3 होता है 12। ओके, आपको ऐसे बनाना है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5। इन ए क्लास टेस्ट 5 marks आर awarded for every correct answer and -2 marks are awarded for every incorrect answer and 0 for question not attempted. Means, हमने एक टेस्ट ली थी, उसमें 5 marks थे। टेस्ट के कितने मार्क्स थे? 5, टेस्ट ली थी, 5 marks आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। जिस भी बच्चे ने आंसर सही दिया है उसको हम देंगे 5 marks। 1 question 5 marks, एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स हैं? 5 marks। अगर क्वेश्चन गलत लिखा है तो हम क्या करेंगे? उसमें से 2 marks माइनस कर देंगे,
और अगर क्वेश्चन लिखा ही नहीं है, उसने छोड़ दिया है, तो क्या करेंगे? जीरो मार्क्स। ओके, तो फर्स्ट है उसमें मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हिज स्कोर? मींस मोहन नाम का एक लड़का था, उसने 4 आंसर करेक्ट दिए और 6 आंसर गलत दिए, तो जो 4 आंसर करेक्ट दिए उसके कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स। तो 4 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 5, तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 20। अभी जो 6 आंसर गलत दिए हैं उसका क्या करेंगे? 6 मल्टीप्लाई बाय -2, मीन्स उसके 2 मार्क्स हम कट कर लेंगे, तो यहाँ पे होगा -12। तो उसको पेपर में कितने मार्क्स मिलेंगे? 20 में से 12 हम माइनस करेंगे, 0 कट एंड 10, 2 कट एंड 1, तो यहाँ पे आंसर होगा 8। ओके, तो उसको 10 मार्क्स में से 8 मार्क्स मिलेंगे। ओके, यहाँ पे उसको 20 मार्क्स मिले थे, यहाँ पे उसको 12 मार्क्स नहीं मिले थे, तो उसको कितने मार्क्स मिले? 8। अब सेकेंड, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, व्हाट इज हर स्कोर? सेकेंड था, रेशमा ने कितने करेक्ट आंसर दिए थे? 5। तो करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिलते हैं? 5। तो 5 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? 5, तो उसको कितने मार्क्स मिले? 25। अब उसने गलत कितने दिए? 5 आंसर गलत थे, तो यहाँ पे लिखूंगी 5 गलत आंसर होते हैं तो कितने मार्क्स कट होते हैं? 2 मार्क्स। तो उसके कितने मार्क्स कट हो जाएंगे? 10 मार्क्स, 5 × 10, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे? 25 में से 10 माइनस करते हैं तो 15। देन थर्ड, हिना गेट्स 2 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आउट ऑफ 7 क्वेश्चन सी अटेम्प्ट्स, व्हाट इज हर स्कोर? तो पेपर में टोटल कितने आंसर थे? 10 आंसर। देखो टोटल 10 आंसर थे, इसने 4 सही दिए थे और 6 गलत दिए थे, इसने 5 सही दिए थे और 5 गलत, मीन्स टोटल पेपर में कितने क्वेश्चन पूछे थे? 10। इसमें से ये हिना थी, उसने कितने क्वेश्चन के आंसर दिए? 7। तो कितने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं उसने जिसका आंसर ही नहीं दिया है? 3 क्वेश्चन, क्योंकि टोटल 10 क्वेश्चन के आंसर देने थे, उसमें से ये हिना थी, उसने 7 क्वेश्चन के ही आंसर दिए, बाकी के क्वेश्चन छोड़ दिए। ओके, तो जो उसने 2 करेक्ट दिए हैं, 2 करेक्ट दिए, तो करेक्ट के कितने मार्क्स? 5 मार्क्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, मीन्स 2 × 5 = 10। फिर उसने कितने गलत दिए हैं? 5, तो 5 मार्क्स, 5 मार्क्स गलत के कितने मार्क्स कट करते हैं? 2, 5 × 2 मीन्स −10। और उसने कितने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं? तो यहाँ पे उसने 3 क्वेश्चन, इसका टोटल 10 हो जाना चाहिए, 5 + 2 = 7, 7 + 3 = 10, अगर क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो कितने मार्क्स देते हैं? 0। तो क्वेश्चन छोड़ दिए तो उसको मिले यहाँ पे 3 क्वेश्चन के 0 मार्क्स, तो 3 × 0 मीन्स 0, 10 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर होगा 0। तो हिना को कितने मार्क्स मिलते हैं पेपर में? 0 मार्क्स। ओके, आप यहाँ पे भी सॉल्यूशन देख सकते हो, पहले मल्टीप्लाई किया 4 × 5 = 20 मीन्स 20, फिर 6 × 2 मीन्स 12, 20 में से 12 माइनस किया इसलिए 8। उसका सेकेंड का था, उसने 5 करेक्ट दिए थे इसलिए 5 × 5 मीन्स 25, उसने 5 इनकरेक्ट दिए थे, 5 × 2 मीन्स 10, 25 में से 10 माइनस करते हैं इसीलिए 15। ये जो थी हिना, उसने 2 करेक्ट दिए थे, तो 2 करेक्ट थे, करेक्ट के कितने मार्क्स है? 5, 2 × 5 = 10, 5 इनकरेक्ट थे, तो इनकरेक्ट के कितने मार्क्स है? -2, 5 − 2 = −10। और उसने 3 छोड़ दिए थे, क्योंकि क्वेश्चन में कितने थे, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कितने थे? 10, उसमें से उसने कितने आंसर दिए थे? 7, तो कितने नहीं दिए थे? 3। ओके, तो 3 का कितने मार्क्स मिलेगा? 0, ये उसका आंसर है 0, 10 में से 10 माइनस करेंगे तो 0। नेक्स्ट, थोड़ा ऊपर ले लीजिए मैडम, ऐसे स्क्रॉल करके, हाँ से
ऊपर, वैसा ऊपर लीजिए, यहाँ से नीचे, यहाँ पे ले दीजिए ये, ओके। 1.2 अभी स्टार्ट नहीं करनी है, इससे ऊपर का बाकी ये वाला, ओके। तो यही है हमारा लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। तो 1.2 अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये एग्जांपल नंबर 5 तक जो मैंने आपको करवाया है, तो एग्जांपल 1 से एग्जांपल 5 तक, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5 सारे एग्जाम्पल थे, वो आपको होमवर्क में करने हैं, वन टाइम अपनी एक्स्ट्रा बुक में, ओके, नोटबुक में नहीं करना है। और आपको अगर कोई भी डाउट या क्वेरी आता है तो आप हमें पूछ सकते हो। थैंक यू किड्स, बाय।